तो यार हेलो एवरीवन, हमें ये चैप्टर स्टार्टिंग में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायद जीरो ब्रश कर रहा होता है और उसके बाद तभी बाहर से वातानाबे आती है तो जीरो भी वेलकम करता है। जीरो वातानाबे से कहता है मैं तुम्हारे बैग ले लेता हूँ और यहाँ पर वातानाबे भी उसे पकड़ा देती है। वो कहती है इन पेपर बैग को केयरफुली लेना। तभी वातानाबे जीरो की तरफ देखते हुए सोचती है काफ़ी वक्त हो गया लेकिन मैं अभी खुश हूँ, क्या बस मैं ही या फिर जीरो भी खुश है। तभी जीरो वातानाबे से पूछता है इसमें क्या है, काफ़ी वेट है। फिर जब जीरो वातानाबे की रूम में उसकी सारी चीज़ें रख देता है तभी वातानाबे जीरो को हक करने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो फिर तभी पूछती है वैसे क्या तुमने सही से ब्रेकफास्ट किया ना, और ये सुन के जीरो कहता है हाँ मैंने कर लिया लेकिन अभी फ्रिज में कुछ भी नहीं है, और ये सुन के वातानाबे कहती है काफ़ी अच्छा। तभी हम देखते हैं कि जीरो जो कि वातानाबे को तभी हक कर लेता है, वो कहता है तुम्हारा वेलकम है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वातानाबे कुछ खाना बना के रखी होती है। वो बताती है कि मैं नए रेसिपी में अपने मॉम से सीखी हूँ, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए जीरो। और जब जीरो ट्राई करता है तो उसे ये टेस्ट काफ़ी पसंद आता है। वो बताता है कि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। वो तभी वातानाबे से कहने लगता है ये काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं हर एक दिन ये खा सकता हूँ। और ये सुन के वातानाबे कहती है चल झूठे। फिर वातानाबे कहती है तो इसका मतलब हमें ग्रेजुएशन के बाद भी साथ ही रहना होगा ना, तभी तुम मेरे बने हुए खानों को हर एक दिन खा पाओगे। और ये बात सुन के जीरो जो कि यहाँ पर एम्बेरस होकर कुछ सोचने लगता है, और ये देख के वातानाबे कहती है तुम कुछ अजीब चीज़ें तो नहीं सोच रहे हो जीरो। फिर यार हम नेक्स्ट में देखते हैं कि वातानाबे जब बालकोनी पर खड़ी होती है तभी वहाँ पर जीरो आता है। जीरो कहता है क्या ये ठंड नहीं है। वातानाबे पूछती है क्या तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई। वो बताता है मैंने एक ब्रेक लिया है। जीरो जब आसमान की तरफ देख रहा होता है तो वातानाबे सोचती है ऐसा लग रहा है कि जीरो कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा है। जीरो फिर कहता है आज का खाना सच में काफ़ी शानदार था। और ये सुन के वातानाबे कहती है क्या तुम अभी भी वो खाने के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम चाहोगे कि मैं कल भी वो बनाऊँ। और यहाँ पर जीरो को एग्जॉस्ट देख के वातानाबे कहती है हे जीरो क्या तुम थक गए हो, आखिर तुम कुछ देर के लिए रेस्ट क्यों नहीं ले लेते। तभी जीरो वातानाबे से कहता है जब तुम कह रही थी हमें लिविंग टुगेदर में रहना चाहिए क्या तुम इसके बारे में सीरियस थी। वो कहता है मैं इसके बारे में डिनर के बाद सोच रहा था, क्या ये सच में अच्छा नहीं होता, मेरा यूनिवर्सिटी एंड घर भी एक दूसरे से काफ़ी दूर है और पहले मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या ये सही अप्रोच नहीं होगा, इससे मैं तुम्हारे साथ मेरा लाइफ भी कंटिन्यू कर पाऊँगा। जीरो यहाँ पर खुद से कह रहा होता है उसे बता दो उसे बता दो, क्या वो अब तक महसूस नहीं कर पा रही है। जीरो यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर मैं उसे बता भी दूंगा तभी भी वो शुरुआत से मुझे उस तरह से नहीं देखती होगी, उसके हार्ट में कोई दूसरा अगर होगा तो क्या मैं इसे रिजेक्ट नहीं हो जाऊंगा, अगर ऐसा होगा तो मेरे और अकारी के बीच आखिर कौन सा फीलिंग हमेशा रह जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैंने सियोरी को हर्ट किया था वैसे ही मैं अगर वातानाबे के साथ कर दूंगा तो। मैं सच कहूँ तो उसे कहना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं डर रहा हूँ। जीरो तभी वातानाबे से कहता है अगर हम साथ में रहे तो साथ में हम स्कूल जा सकते हैं या फिर साथ में खा भी सकते हैं। वातानाबे भी तभी जीरो को हक कर लेती है, तभी वातानाबे कहती है हम ऐसे हक भी कर सकते हैं। वो सोचती है मैं सच में ये सब करना चाहती हूँ, तभी वो जीरो से कहती है क्या तुम मुझे अपने साथ रहने के लिए इनवाइट कर रहे हो, लेकिन ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद हम ना कि हस्बैंड वाइफ या फिर लवर्स भी रहेंगे, मैं ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद अपने लवर के सिवा ऐसे किसी के साथ कैसे रह सकती हूँ। वो फिर पूछती है क्या तुम इसी के लिए मेरे साथ होना चाहते हो, ताकि घर में कोई हो जिसके साथ तुम बात कर सको या फिर मेरे बनाए हुए खाना खाने के लिए, आखिर किसी और के साथ क्यों नहीं, क्या बस इसी वजह के वजह से। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, यह सही वजह नहीं है। यार यहाँ पर वातानाबे तो चाहती है कि जीरो उसे पसंद करे और वो वातानाबे की लवर्स की तरह उसके साथ रहे। वो फिर कहती है माफ़ करना ये पहले मेरी ही आइडिया थी और मैंने जो भी कहा था तुम उसे भूल जाओ। वातानाबे तो बस यहाँ पर सोच रही होती है मैं ये सारे अटम ब्रेक में जीरो के बारे में ही सोच रही थी और मुझे ऐसा लगा कि जीरो से मिलने के बाद मैं रिलीफ फील करूँगी और इसके लिए मैं इंतज़ार भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इतना काफ़ी नहीं है मेरे लिए। फिर हम देखते हैं कि जब जीरो बेड में होता है तो वो बस वातानाबे की बातों के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या सच में वातानाबे ने इसे मना कर दिया, मैं इसके बारे में सीरियस था। वो फिर याद करता है कि लेकिन उसके आंखें तो कुछ और ही बता रही थी, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। फिर हम नेक्स्ट डे में देखते हैं कि जब वातानाबे अपने दोस्तों के साथ होती है
और वो जीरो के बारे में बताती है कि कैसे ग्रेजुएशन के बाद भी जीरो वातानाबे को लिव इन टुगेदर में रहने के लिए इनवाइट कर रहा था। वातानाबे बताती है कि जीरो की बातों को कैसे उसने जोक की तरह मना कर दी थी। साची पूछती है कि क्या तुम सच में उसके साथ नहीं रहना चाहती हो? मैं जीरो के साथ ग्रेजुएशन के बाद भी रहना चाहूंगी। वो कहती है जब जीरो ने इसके बारे में पूछा तो मैं सच में खुश थी और मैं उसके ऊपर यकीन करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही चाह रही थी और इसके लिए मैंने मना कर दिया। क्या मैंने सच में सही किया? लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इसे रिग्रेट कर रही हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो साची कहती है देखो वातानाबे, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, तुम्हें जीरो के साथ प्रॉपरली एक्ट करना होगा। फिर तभी साची कहती है आखिर तुम उससे कन्फेस क्यों नहीं कर देती, और तुम काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब उससे कहने के बाद वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। तो वातानाबे कहती है अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देगा तो ये हमारे बीच एक स्कार छोड़ देगा, और इससे हमारे बीच कभी भी सही नहीं होगा। हम दोनों एक साथ काफ़ी वक्त से रह रहे हैं और मेरे फीलिंग भी काफ़ी बदले हुए हैं। और वो यहाँ पर सोचती है अगर ऐसा कुछ है जो हम दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही फीलिंग शेयर कर रहे हैं, और इससे मैं समझ सकती हूँ कि हमें इससे कितनी ज़्यादा तकलीफ पहुँच सकती है। फिर वातानाबे कहती है ठीक है, आज रात को मैं अपना अच्छा करूँगी। और यहाँ पर उसके दोस्तों से चीयर अप करने लगते हैं कि तुम्हें आज कन्फेस करना ही होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब साची और उसके दोस्त बाद में रास्ते में चल रहे होते हैं तो वो बात करते हैं अगर हम उन दोनों के लिए ऐसे एक मोमेंट क्रिएट करें जहाँ पर वातानाबे जीरो को अच्छी तरह से कन्फेस कर पाएगी, क्या ये परफेक्ट नहीं रहेगा? फिर वो बात करते हैं क्या एक्समास लाइट शो कन्फेशन के लिए सही नहीं रहेगा। और यार यहाँ पर चैप्टर भी एंड होता है। ठीक है यार, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि अकारी आखिर जीरो को कन्फेस कर पाएगी या फिर नहीं। ठीक है यार, मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी डाल दूंगा, तब तक के लिए ओके बाय।